Good morning, students. Today I'm going to continue and complete your poetry, Aunt Jennifer's Tiger. Today is the third stanza explanation. Today I'm going to read the third stanza and explain you what the poet actually wants us to know from this poem. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with over deals she has mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. Now, the explanation. Here, wish to live a free, fearless life is indicated by her choice of design tigers. It shows her innermost desire of being strong, fearless, which has been overwhelmed by her husband. Probably her overdeal will end upon her death. Her frightened, shaking fingers will be put to rest. But still, even after death, the ring shall remain on her hand. Therefore, her husband's rule over her is not yet over. After her death, her desire of freedom and fearlessness shall remain alive in these tigers which she has embroidered. अब ये जो third stanza है, ये future को relate करता है. ये future बता रहा है यहाँ पर. क्या बता रहा है? First stanza हमने देखा वो dream था. उसका dream था Aunt Jennifer का, Aunt Jennifer का यहाँ पर कि वो ऐसे freely live करे जैसे tigers जो उसने एनक्रेव किए थे एम्ब्रॉयडरी के रूप में, वैसे वो अपने आप को फ्रीली देखना चाहती थी एज अ ड्रीम. एज अ ड्रीम वो फ्रीली फर्स्ट स्टैंजा में उसने अपने ड्रीम को लिव करने की कोशिश की. सेकेंड में रियलिटी बताई गई कि कैसे सेकेंड स्टैंजा में वो कैसे अपने मैरिज लाइफ से बाउंडेड है, कैसे वो अपने हस्बैंड के बिहेवियर से या हस्बैंड के डर से कितनी वो डरी हुई सहमी हुई है, कैसे उसके हाथ शिवर कर रहे हैं, तो नीडल्स को खींचने में कितनी वो डिफ़िकल्टी महसूस कर रही है. पूरे लाइफ लॉन्ग अपने फैमिली के लिए उसने एग्जर्ट किया और उसके हाथ में अब स्टैमिना तक नहीं बची कि वो अपने ड्रीम्स को लिव करे. और फोर्थ थर्ड स्टैंजा यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं उसके फ्यूचर को. अगर Aunt Jennifer अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो भी वो उनकी मैरिज लाइफ का जो बॉन्ड है उनके फिंगर में तब भी रहेगा. उसके उनके हस्बैंड का डर उनके एंड ऑफ द लाइफ भी रहेगा. मगर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, आफ्टर डेथ उनकी मृत्यु के बाद भी उनका जो डिज़ायर है फ्रीडम और फियरलेसनेस से रहने का वो अलाइव रहेगा. किस वे में? वो टाइगर्स जो उन्होंने एनक्रेव किए हैं, एम्ब्रॉयडर्ड किए हैं उस पैनल पर, वो हमेशा अलाइव रहेंगे. वो डिस्क्राइब करेंगे कि वो कैसे लिव करना चाहती थी, कैसे फ्रीडमली फियरलेसली अपनी लाइफ को जीना चाहती थी वो. वो इस लास्ट स्टैंजा में उनके फ्यूचर को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. द पोएट सेज दैट वन कैन ईजिली सेंस आंट्स डिज़ायर फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस थ्रू हर डिज़ाइंस ऑफ टाइगर्स. जब हम वो डिज़ाइंस देखें, वो टाइगर्स के एम्ब्रॉयडरी अगर हम देखें, तो हम एक्चुअली समझ जाएंगे कि कैसे फ्रीली वो अपने आप को मूव करना चाहती है, कैसे बिना डर के वो जीना चाहती हैं. उस एम्ब्रॉयडरी को देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं. फ्यूचर फर्दर शी सेज दैट इट्स इज नॉट पॉसिबल फॉर आंट टू अचीव दिस फ्रीडम ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. अब पोइट अब यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि वो आंट जो सोच रही है कि इतनी फ्रीडम से, इतने फियरलेसनेस से वो रहने चाहेगी, मगर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो उस बॉन्डिंग से बंधी हुई है, अपने मैरिज बॉन्ड से बंधी हुई है. तो ये उसके लाइफ टाइम में रहते हुए तो ये पॉसिबल नहीं है. शी विल अटेंड इट ओनली आफ्टर हर डेथ. ये चीज़ शायद उसकी पूरी होगी उनकी मृत्यु के बाद, ऐसा पोएट यहाँ पर कह रही है. बट हर Also, the irony of her life is that still she will be tied up with the cycles in the form of her husband's wedding ring. अब after death भी वो क्या बोल रहे हैं कि उनके मरने के बाद भी उनकी जो wedding ring है उनके हाथ में अब एंड तक रहेगी. उनके हस्बैंड के द्वारा जो foundations उनको बांधे गए हैं वो उनकी मृत्यु के बाद तक उनके हाथों में बनी हुई रहेगी. The ring was the sole proof of her tortures which she had faced from her husband. वो जो रिंग है वो एक प्रूफ है, एक तरह का एक बाउंडिंग है, एक बंधन है जो मजबूरी में
वो इतना फेस कर रही है अपने हस्बैंड के टॉर्चर्स को, क्योंकि उन्होंने उनके साथ वेडिंग की है, वो वेडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो जो अपनी इच्छाओं को दूर रखकर वो सब वो पूरा कर रही हैं, वो इच्छाएं जो वो एनक्रेव एम्ब्रॉयडरी के ऊपर टाइगर्स के ऊपर उन्होंने डिस्क्राइब की है, वो सब दब गई है, सरपस हो गई है उस उनके वेडिंग रिंग के कारण। द रिंग वॉज द सोल प्रूफ ऑफ द टॉर्चर्स विच शी हैड फेस्ड फ्रॉम हर हस्बैंड। ऑन द अदर हैंड देर आर द टाइगर्स डिजाइंड बाई आंट जेनिफर विच विल ऑलवेज डिपिक्ट her desires of living a fearless life by jumping proudly and bravely on the piece of cloth। कैसे रहना चाहती थी वो कैसे अपनी लाइफ को जीना चाहती थी, उछलते कूदते मीन्स फ्रीली जो वो चाहे वो करना चाहती थी, ब्रेवली बोल्डली सब कुछ बोलना चाहती थी। ये चीज़ें हमें कहाँ दिख रही है, उनकी पीस ऑफ क्लॉथ पे जो उन्होंने एम्ब्रॉयडरी बनाई है आंट जेनिफर ने, वो पूरा डिपिक्ट कर रहा है कि आंट जेनिफर क्या चाहती थी, उन्होंने उस चीज़ को उन एम्ब्रॉयडरी के उस डिज़ाइन के ज़रिए हमें बताया है इस पैराग्राफ में। तो ये तीनों जो स्टैंजास हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट स्टैंजा ड्रीम डिपिक्ट करता है, सेकेंड रियलिटी बता रहा है, और फोर्थ वो फ्यूचर बता रहा है कि आफ्टर डेथ ऑल्सो शी इज़ बिन बाउंडेड विद द वेडिंग रिंग्स, बट द पीस ऑफ क्लॉथ विच हैज़ बिन एम्ब्रॉयडर्ड बाई आंट जेनिफर शोज द डिज़ायर ऑफ लिविंग फ्रीलेस लाइफ बाई जम्पिंग proudly and bravely। Third stanza के literary devices हैं, rhyming scene A A B B, alliteration P is repeated in prancing and proud। अब new words जो इस stanza में थे, prance, walk or move around with a high springing steps, और भी बहुत सारे पूरे poetry में जो words है, topaz वापस yellow colored स्टोन, डेनिजन हमने पहले भी पढ़ा था, बताया था आपको कि एनिमल्स के लिव करने की जगह पर्टिकुलर प्लेस जो उनके लिए निर्धारित किया गया हो, स्लीक एलिजेंट सिल्वरक बीइंग कर्टियस वुमेन एंड एस्केप टू वुमेन एंड एक्ट ऑफ अ जेंटलमैन, ओवर डील्स एक्सट्रीमली सिवियर टेस्ट और एक्सपीरियंसेस, prancing to move around proudly, fluttering to move in quick and irregular motion as is being a agitated। तो हमने इस पोइट्री में क्या देखा, इस पोइट्री का थीम क्या था, इस पोइट्री का थीम क्या था इस पोइम में, आंट जेनिफर टाइगर एक्सप्रेस करती द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ अ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। मैरिड लाइफ में जब वो एक वुमेन जब बन जाती है, एक लेडी जब बन जाती है, तो वो कैसे एक्सपीरियंसेस करती है, कैसे वो उस बॉन्ड को निभाती है, कैसे वो अपनी इच्छाओं को अपनी फ्रीडम को दूर रखकर उन पे ध्यान ना देते हुए फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो पूरा करती है, अपनी चीज़ों को सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रखकर फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी फैमिली को देती हैं, और हस्बैंड्स के टॉर्चर्स को भी वो बिना कुछ कहे सहती रहती हैं। अब इस पोएम में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन सेकेंड एक समरी टाइप में आपको वापस बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑफ दिस पोएम। द फर्स्ट पॉइंट, द डिज़ायर ऑफ वुमेन फॉर फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय द पोएट हियर। एक वुमेन की जो डिज़ायर है कि वो कैसे जीना चाहती है, समाज उसे कैसे बांध के रख देता है, मगर उनकी जो इच्छाएँ होती हुई वो उनको कैसे पूरा करने की कैसे वो पूरा करें, वो क्यों दब जाती हैं इन सब बॉन्ड से। वुमेन की भी इतनी ही फ्रीडम से रहने की उनको भी ज़रूरत है, वही हिम्मत भी उन्हें भी चाहिए, वो स्ट्रेंथ चाहिए जो पोएट यहाँ पे हमें दिखाना चाहते हैं। आंट जेनिफर हैज़ एम्ब्रॉयडर्ड ब्राइट येलो टाइगर्स ऑन द स्क्रीन, इतने ब्राइट कलर्स उन्होंने उस एम्ब्रॉयडरी पे डाले हैं, इतने ब्रेव टाइगर्स को उन्होंने चूज़ किया है अपने एम्ब्रॉयडरी पे, क्यों, क्योंकि वो जो उनकी जो इच्छा है उसे वो इस एम्ब्रॉयडरी के माध्यम से आंट जेनिफर के थ्रू वो दिखाना चाहते हैं। दिस टाइगर्स मूव अबाउट फ्रीली फियरलेसली एंड कॉन्फिडेंटली इन द ग्रीन फॉरेस्ट। तो यहाँ पर टाइगर के एग्जाम्पल देखिए क्या बताया, कितने बोल्डली फ्रीली बिना डरे निडर होके कॉन्फिडेंस के साथ कैसे अपनी जगह पर जहाँ वो रहते हैं कितनी फ्रीली वो मूव करते हैं। अगर कंपेयर करें वुमेंस को तो वुमेन आफ्टर मैरिज वो इन सब चीज़ों से बंध जाती है, वो इतनी फ्रीली वो लाइफ में जीनी होती है वो शायद वो नहीं जी पाती, इतनी फियरलेसली वो कुछ भी बोल नहीं पाती, उतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर नहीं आ पाता कि वो अपनी हॉबीज़ का या अपनी शौक अपनी इच्छाओं का वो कॉन्फिडेंटली कहे कि मुझे ये सब करना है।
वो मैरिज बॉन्ड उन्हें उसे करने से शायद दबा देता है. दे आर नॉट अफ्राइड ऑफ द हंटर्स. या टाइगर्स जो है उनके मालिकों के से या वो हंटर्स जो शिकार है उनसे वो डरते नहीं हैं, क्योंकि वो खुद वहाँ के राजा हैं. वो फ्रीली सब कुछ करते हैं, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतने स्ट्रांग है वो. इन कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे आंट जनवी का कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन किया, वो यहाँ पर कैसे दिखाई गई है हमें, शी इज़ वीक एंड नर्वस. वो नर्वस क्यों हैं, क्योंकि हस्बैंड के द्वारा इतनी प्रताड़ित हैं वो, इतनी टॉर्चर की गई हैं उनके बिहेवियर के कारण, इतनी उन्हें सरप्रेस कर दिया गया है कि वो अपने आप को बिल्कुल वीक एंड नर्वस महसूस करती हैं. टू मेक हर एम्ब्रॉयडरी शी फाइंड्स द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल. The wedding ring is symbolic of the burden of commitments and bindings of a married life. एक तरह से हम वेडिंग रिंग के यहाँ पर सिम्बॉल किससे किया है, यहाँ पर सिम्बॉल किया है कि वो कमिटमेंट जो आफ्टर मैरिज एक वुमेन का हो जाता है, कि उसे अपनी फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो सबसे पहले सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को देती है, अपनी इच्छाओं का वो सेकेंडरी प्रायोरिटी पे रखती है और शायद उसे वो पूरा भी नहीं करती हैं. Her marriage with uncle has taken away her freedom and confidence to live life the way she wishes. After her death, the mark of the wedding ring will continue to show her sad, burdened life. After death also, मृत्यु के बाद भी जो wedding ring अगर निकालें भी सही, तो उसके जो marks हैं, उसके hands पे जो उसके marks हैं, वो एट एंड भी यही दिखाएंगे, वो सैडनेस उस लेडी की, उस वुमेन की यहाँ दिखाएंगे कि कितनी बर्डनड वो अपने लाइफ में थी, सब चीज़ों का बोझ उसके ऊपर था, उसे निभाते निभाते एंड में भी वो उसी के बोझ तले वो दबकर मृत्यु को चली गई. शी इज मॉर्टल, शी विल डाई, इट्स रियल नेचुरल ह्यूमन बींग्स, दे आर मॉर्टल. हर्सेल्फ द एम्ब्रॉयडर, वेयर इज द एम्ब्रॉयडरी ऑफ द टाइगर्स आर्ट दैट शी हैड मेड इज इमॉर्टल. उसने, उन्होंने जो आर्ट बनाया है, आर्ट वर्क, पीस वर्क बनाया है क्लॉथ पे या वॉल हैंगिंग पे, वो इमॉर्टल है. वो उनके लाइफ की विशेज़ को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे, उनके डिज़ायर को, कैसे डिज़ायर्स कि वो फ्रीली, फियरलेसली, स्ट्रांगली, ब्रेवली वो लाइफ को जीना चाहती थी. बहुत ब्यूटीफुली यहाँ पर पोएट ने इस पोएम के माध्यम से एक वुमेन के सप्रेस्ड फ्रीडम को, उसके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर बताया है. और यहाँ पर लिटरेरी डिवाइस यूज हुई है उस पोएट में, यहाँ पर सिंबल्स हैं. टाइगर्स आर फियरलेस, बोल्ड, करेजियस एंड कॉन्फिडेंट. एक्चुअली दे आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आंट जेनिफर्स इनर सेल्फ. इनर जो उनका सोल है आंट जेनिफर का, वो कैसी है, वो कैसा रहना चाहती थी, जैसे वो टाइगर को एनक्रेव करती हैं, वैसे ही वो अपने आप को भी देखना चाहती थी. अब यहाँ पर एक और सिंबल है, रिंग्स एंड अंकल्स वेडिंग बैंड. ये यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इट शोज़ द पावर ऑफ हर हस्बैंड ऑन हर बॉन्डेज, बर्डन ऑफ मैरिज. यहाँ पे हस्बैंड का पावर दिखाया गया है रिंग और वेडिंग बैंड्स के थ्रू. यहाँ बर्डन दिखाया गया है मैरिज लाइफ का एक वुमेन के ऊपर. द बैंड हैज़ बिकम द मेटाफोरिकली टू हैवी टू ब्रेक फॉर आंट जेनिफर. वो उस बंधन को तोड़ नहीं सकती थी, इतना हैवी वो उसके कारण दबी हुई थी. वो मैरिज से वो इतनी सरप्रेस हो चुकी थी कि वो इतनी जो वो दिखाना चाहती थी, इनर उनका जो रूप था वो दिखाना जो चाहती थी, वो उन्होंने एक आर्ट में, एक वर्क पीस में उन्होंने यहाँ पर टाइगर के एनक्रेव एम्ब्रॉयडरी आर्ट पीस पे उन्होंने दिखाया है. होप आपको ये पोएट्री समझ में आई होगी. थैंक यू.